मेरे भाई बुरा वक्त आना भी सही है, कौन दिल से साथ है और कौन मतलब से, सबका औकात पता चल जाता है। ओके सो भैया जी कैसे हैं सब लोग। सो गाइस आज की इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं POV रील्स एडिटिंग, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा। सो गाइस इस टाइप की POV रील्स एडिटिंग आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं अभी के वक्त में, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। और इसमें हम लोग एक न्यू स्काई यूज़ करने वाले हैं और टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे, और ये सभी लिंक वगैरह आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाए करेगी। सो ये एडिटिंग होने वाली है VN वीडियो एडिटर में। सो आप लोग के पास होना ही चाहिए VN एडिटर, तो प्लस आइकन में क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले अपनी वीडियो फुटेज को सिलेक्ट कर देना होगा, जहाँ पे एक स्काई हो। ओके तो वहाँ पे देख वीडियो रिकॉर्ड कर देना है, जैसे कि मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। सो गाइस इस टाइम से आप लोग भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर देना होगा। ओके सो यहाँ से हम लोग स्काई वाला वीडियो को सिलेक्ट कर दे, जिसका बैकग्राउंड में एक ही स्काई कलर का स्काई हो। ओके तो इसको सिलेक्ट कर देना है, फिर इसको आप लोग को ऐड कर लेना होगा। ओके सो हम लोग को स्काई रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं ये वाला वीडियो को। ओके सो अभी हम लोग स्काई को ऐड करेंगे। सो यहाँ से देख सकते हो कुछ इस टाइप का स्काई वाला वीडियो हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं, जहाँ पे एक ही कलर का स्काई हो। तो मैं क्या करता हूँ, इतना वीडियो को रखता हूँ। सो इतने पार्ट को हम लोग डिलीट कर लेंगे। सो यहाँ से स्प्लिट करेंगे, इस पार्ट को हम लोग डिलीट कर लेंगे, ब्लैक पेज को भी डिलीट कर लेंगे। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, टैप एंड ऐड स्टिकर में क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फोटो एंड वीडियो पे जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये वाला स्काई को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको सिलेक्ट कर देने के बाद गाइज आप लोग को मॉडल वीडियो पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट कर देना है, फिर इस डुप्लीकेट वाला वीडियो पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड वाला वीडियो को क्लिक करके यहाँ से ऊपर की ओर लेकर आ जाना है। ओके स्क्रॉल करके सो उसके बाद यहाँ से आप लोगों को फिट ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, फिट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोगों को क्रोमा पे जाना है गाइज, देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्रोमा पे जाना है यहाँ पे। तो क्रोमा पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे क्रोमा की को स्काई पे रख देना है यहाँ पे। तो यहाँ से इंटेंसिटी को इनक्रीस कर देना है और स्पीड ऑप्शन को जीरो कर देना है, फिर यहाँ से डन करना है। ओके तो इस टाइप से हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप लोग प्ले कर लीजिएगा वीडियो को, कि आप लोग की वीडियो कैसा है। तो अभी हम लोग फिल्टर में जाके एडजस्ट में जाएंगे, एक्सपोजर को जीरो, ब्राइटनेस को जीरो कर लेंगे, हमारी कैरेक्टर ब्लैक करना है। तो ये देख सकते हो हमारी कैरेक्टर वगैरह ब्लैक हो चुके हैं। सो अभी हम लोग प्ले करके देख सकते हो, बहुत ही ऑसम लगेगा देखने में, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और प्रीव्यू में देख रखा था। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप की वीडियो को एडिट कर देने के बाद आप लोगों को ब्लैक पेज को डिलीट कर देना है, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है ये वाला वीडियो को। ओके तो ओरिजिनल में क्लिक करेंगे, 9:16 रखेंगे, तो यहाँ से इस वाले वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर देने के बाद आप लोगों को लिरिक्स वीडियो को ऐड कर देना होगा। सो यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। तो यहाँ से लिरिक्स को ऐड कर देते हैं, देख सकते हो कुछ इस टाइप का लिरिक्स है। सो इस टाइप से लिरिक्स को हम लोग ऐड कर देंगे। फिर गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसके एंड में जो ब्लैक पेज है, सो इस पर ब्लैक पेज को हम लोग डिलीट कर देना है। तो ये देख सकते हो ये ब्लैक पेज को हम लोग डिलीट कर देंगे, प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, फोटो एंड वीडियो में जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग ये वाला वीडियो को सिलेक्ट कर देना है। ओके तो ये देख सकते हो सिलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ से हम लोग म्यूजिक में जाकर माय म्यूजिक में जाएंगे, तो यहाँ से माय म्यूजिक में जाकर स्टार्ट फ्रॉम वीडियो में जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। सो वायरल वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। सो जैसे कि पता है वायरल वीडियो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ से क्रिएट एल्बम कीजिएगा, सो यहाँ से न्यू पे जाके यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे वायरल वीडियो भी आ चुका है। तो यहाँ से वॉल्यूम को ऑफ कर लेना है, तो यहाँ से प्ले करके देख लेना किस टाइप की हमारी वीडियो बन चुका है। तो म्यूजिक के साथ आप लोग सही तरीके से आ रही नहीं, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वगैरह लगा देना होगा और टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर देना होगा। ओके सो ये वाला वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन कर लेते हैं, स्पीड में जाके रेगुलर में जाएंगे, तो यहाँ से हल्का सा माइनस खोल लेंगे। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट में जाएंगे, तो टेक्स्ट में जाकर ऐड हेडिंग करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले लिखना है POV। तो जैसे कि POV रील्स एडिटिंग आप लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हैं, ट्रेंडिंग में चलते हैं POV। तो इस टाइप से POV लिखना है, और यहाँ से औकात वगैरह आप लोग लिख सकते हो जो भी टेक्स्ट लिखना है। तो ये पूरा का पूरा रेड कलर में हो जाता है, तो आप लोगों को सबसे पहले POV लिखकर इसे डन करना है व्हाइट कलर सा।
तो मैं डिलीट कर लेता हूँ ओका जो टेक्स्ट है उसको, सिर्फ और सिर्फ POV लिख कर यहाँ पर डन करेंगे। और ये POV टेक्स्ट को ऊपर की ओर रखना है आपको, देख सकते हो। ओके सो इसको पूरा पूरा रख लेते हैं। तो ये POV टेस्ट को हम लोग ऊपर की ओर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे। तो ये देख सकते हो टेक्स्ट यहाँ पे, तो टेक्स्ट में जाके आर टेक्स्ट करेंगे, तो आर हेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे औकात हम लोग लिखना है AUKAT, औकात लिख कर यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो डबल एफ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट है, तो आप लोग जो भी अच्छी लगे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये वाला रख लेते हैं, बहुत सारे हैं फॉन्ट। ओके तो आप लोग चाहो तो सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। सो इसको सिलेक्ट कर देने के बाद गाइज आप लोगों को कलर में जाना होगा। फॉन्ट को सिलेक्ट कर देने के बाद आप लोगों को जो ये कलर जो है आप लोगों को रेड कलर कर देना है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टेप से रख लेना है आपको, ये टेक्स्ट को स्टेप से रख लेना है। ओके तो यहाँ से आप लोगों को कलर में जाना है, रेड कलर कर लेना है। तो यहाँ से डन करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर वगैरह हैं। तो यहाँ से इसको पूरा के पूरा स्क्रॉल करके लास्ट तक ले जाएँ। ओके सो अभी हम लोग को एनिमेशन वगैरह ऐड कर देना होगा। तो एनिमेशन हम लोग मॉडल वीडियो में रखेंगे, तो यहाँ से इफेक्ट्स में क्लिक करेंगे। सो यहाँ से इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से आप लोगों को जिटल को चूज़ करना है और यहाँ से डन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों का एडिटिंग हो चुका होगा। सो और भी इफेक्ट्स वगैरह एनिमेशन वगैरह लगाना है तो आप लोग को एक स्प्लिट आइकन मिलता है, उसको क्लिक करके आप लोग एनिमेशन लगा दीजिएगा। ओके ओके सो अभी आप लोग क्या करना है, सो देख सकते हो अभी आप लोग को स्प्लिट वगैरह कर देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग स्प्लिट करेंगे। ओके सो यहाँ पे एक स्प्लिट आइकन क्रिएट करेंगे, फिर एक और थोड़ा सा यहाँ पे एक स्प्लिट कर लेंगे। ओके तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक और स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। फिर यहाँ से आप लोगों को एनिमेशन लगाना होगा। ओके तो यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग कोई सा भी एक एनिमेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे जिटल डाउन को लगाइएगा। ओके तो यहाँ पे डन कीजिएगा। फिर आप लोगों को इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे और एक एनिमेशन को लगा देना, तो स्लाइड राइट को लगा देना है। ओके तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ से डन कर लेना है इस एनिमेशन को। तो गाइज यहाँ से प्ले करके देख लेना है कि आप लोग ये वीडियो कैसा बनाए। ओके तो लिरिक्स के साथ सही तरीके से म्यूजिक आ रही है नहीं, आप लोगों को यहाँ पे प्ले करके देख लेना है। और यहाँ पे मुझे म्यूजिक पता चल चुका है, तो आप लोगों को म्यूजिक सुन लीजिएगा। म्यूजिक में सुना नहीं सकता, कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो ये वीडियो गाइज आप लोग कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। POV रील्स ट्रेंडिंग में है, तो काफ़ी अच्छी चांस आप लोग रील वगैरह वायरल हो सकते हैं। वीडियो को दीजिए एक्सपोर्ट, मिलते हैं ऐसे वाला।